स्टार्ट करते हैं आज हम सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले के। आप अपने जो जो आपने अटेम्प्ट कर लिए उसके सीट प्लीज स्टेप्स चेक कीजिएगा। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जो मुझे पता है 101% सबके डाउट्स होंगे, उसके लिए मैं साइड हो जाऊंगा, करने के बाद आप लिख लेना। बट पहले सारे के सारे अपने स्टेप्स चेक करके जो जो आपने होमवर्क में सारे क्वेश्चन किए थे, तो प्लीज ध्यान देते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। फर्स्ट आपको कह रहा है, व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज क्यू थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर अलोंग द इक्विटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इक्विटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल पे एवरी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है? जीरो। इक्विटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एवरी पॉइंट ऑन इक्विटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होती है। सो अब आप में बर्तन की जब आप बात करोगे दो पॉइंट्स के बीच में, हो जाएगा क्यू नॉट इंटू ए बी माइनस बी ए। सो क्यू नॉट इंटू जीरो माइनस जीरो, रिजल्ट कितना आया? जीरो। सो बर्त नहीं होगा क्योंकि दोनों पॉइंट्स किस पे होंगे? हमेशा सेम पोटेंशियल पे। आ जाते हैं सेकेंड पे। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, अ 500 माइक्रोकूलम चार्ज, अ 500 माइक्रोकूलम चार्ज इज एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर है, इसके सेंटर पे आपने क्यू चार्ज रख दिया। क्यू है 500 माइक्रोकूलम, स्क्वायर की साइड है 10 सेंटीमीटर, स्क्वायर की साइड है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द बल्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम बिटवीन टू डायगनली ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। डायगनली ऑपोजिट कॉर्नर्स है, एक कॉर्नर से अब दूसरे कॉर्नर तक किसी चार्ज को लेके गए, किसको? 10 माइक्रोकूलम को। सो क्यू नॉट जिसको लेके गए, दैट इज 10 माइक्रोकूलम। मैं एंड ए से एंड सी पे लेके गया, यही बोला है क्वेश्चन ने, एंड ए से एंड सी पे लेके गया। अब जो सेंटर ऑफ डायपोल होता है वो बराबर डिस्टेंस पे होता है, इसको आर बोल दिया तो ये भी आर होगा। सो ए का पोटेंशियल और सी का पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाई आर होगा कि नहीं? ए का पोटेंशियल और सी दोनों का पोटेंशियल किसके बराबर होगा? के क्यू बाई आर के। दोनों का पोटेंशियल इक्वल है, तो एक से दूसरे तक ले जाने का वर्क डन कितना होगा? क्यू नॉट इक्वल टू वी सी माइनस वी ए। वी सी डी ए बराबर है, तो वर्क डन की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। क्या ये क्लियर है सबको? सबको सर बता दो बेटे, ए पॉइंट का पोटेंशियल के क्यू बाई आर हो गया, सी पॉइंट का पोटेंशियल के क्यू बाई आर हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? जीरो। तो वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। आर आपको नहीं पता, जरूरत भी नहीं है उसको निकालने की, क्योंकि सेंटर ऑफ द स्क्वायर से सारे पॉइंट्स किस पे होते हैं? बराबर डिस्टेंस पे। ठीक है, आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड कह रहा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड रूट 4.5 मीटर्स। एक स्क्वायर है जिसकी साइड है रूट ऑफ 4.5 मीटर्स, रूट ऑफ 4.5 मीटर्स। सो जो डायगनल हो गया, उसकी लेंथ कितनी हो गई? 3 मीटर्स पाइथागोरस से। अंडर रूट ऑफ रूट 4.5 का स्क्वायर प्लस रूट 4.5 का स्क्वायर, जो डायगनल है उसकी लेंथ कितनी हो गई? 3 मीटर्स। ये बात क्लियर होती है? डायगनल की लेंथ हो गई 3 मीटर्स, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 1.5 मीटर्स। ये सेंटर, ये बी, ये बी, ये सी, ये डी। ठीक है, यहां तक डाटा में तो कोई दिक्कत नहीं, वैल्यूज यहां तक क्लियर है। अब आगे आपको क्या बोला? आगे आपको बोला चार्जेस जो आपने प्लेस किए वो है प्लस 5 नैनो कूलम। ए पॉइंट पे आपने प्लेस किया, ए पॉइंट पे प्लेस किया 5 नैनो कूलम, बी पॉइंट पे प्लेस किया 2 नैनो कूलम, सी पॉइंट पे प्लेस किया -5 नैनो कूलम, सी पॉइंट पे प्लेस किया -5 नैनो कूलम,
और टी पॉइंट पे प्लेस किया -7 नैनो कूलम। नैनो कितना होता है 10^-9, सो मैंने 10^-9 को सीधा क्या लिख दिया, नैनो कूलम। आपको सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है KQ/R, और पोटेंशियल क्या होता है स्केलर क्वांटिटी। तो चारों की वजह से पोटेंशियल निकालोगे, ओ पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल कितना हो गया, ओ पे पोटेंशियल ड्यू टू ए प्लस ओ पे पोटेंशियल ड्यू टू बी प्लस ओ पे पोटेंशियल ड्यू टू सी प्लस ओ पे पोटेंशियल ड्यू टू डी। चारों की वजह से पोटेंशियल निकाल के ऐड कर दो, चारों की वजह से पोटेंशियल निकाल के ऐड कर दो। करते हैं, पोटेंशियल एट ओ कितना हुआ, ओ पे पोटेंशियल ए की वजह से के 5 नैनो अपॉन 1.5 प्लस 2 की वजह से के 2 नैनो अपॉन 1.5 -5 की वजह से के -5 नैनो अपॉन 1.5। चार्ज का साइन लेंगे, के -7 नैनो अपॉन 1.5। सेकेंड और फर्स्ट टर्म कट गया, थर्ड और फर्स्ट टर्म बचे, दो टर्म्स में से के कॉमन, 1.5 कॉमन, क्या बचा 2 नैनो -7 नैनो। वैल्यू डालो, ये है कितना 9 × 10^9 डिवाइडेड बाय 3/2 इंटू -5 नैनो इंटू 10^-5। 10^-9 जोड़ा, 3×3 9, आंसर आ गया -30 वोल्ट। क्लियर है सबको, ये वाले तो आ गए होंगे तीनों, इसमें तो कोई गलती नहीं किसी की। आ जाते हैं अगले पे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ पे ध्यान दीजिए। फोर्थ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज 20 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है 20 न्यूटन पर कूलम ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, KQ/R², ये दी है 20 न्यूटन पर कूलम। आगे क्या बोला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज 10 J/C। पोटेंशियल क्या होता है, KQ/R, ये वैल्यू दी है 10 J/C। यहां तक कोई दिक्कत, ये दो वैल्यूज दी है, आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो Q और R निकालना है, ये दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल्स, दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकेंड, आपके पास आया KQ/R² डिवाइडेड बाय KQ/R इज 20/10। 0 से 0 पर क्या आपके पास आया 1/R इज 2, तो R की वैल्यू अब 8.5 meters। R की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5 meters। यहां तक क्लियर है बेटा, R आ गया 0.5। सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट या सेकेंड, सब्स्टिट्यूट इन सेकेंड कि 9 × 10^9 Q by 0.5 is equal to 10. So Q की वैल्यू कितनी आ रही, 5/9 nanocoulomb। ठीक, इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, शायद आप में से किसी ने की हो, बच्चे कहते हैं कि सर E दिया हुआ है 20 newton per coulomb, V दिया है 10 J/C, E is equal to B by T, distance आ गया voltage by electric field, volt 10/20 meters। आप में से किसी ने ऐसे किया, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि this is only valid in uniform electric field, और point charge की कभी भी uniform electric field नहीं होती। तो context of the formula भी ध्यान रखो कि कौन सा कहाँ लगना है, पॉइंट चार्ज की फील्ड है, पॉइंट चार्ज का वोल्टेज है, पॉइंट चार्ज की फील्ड क्या होती है, KQ/R², पॉइंट चार्ज की वजह से वोल्टेज किसी भी पॉइंट पे क्या होता है, KQ/R, इज इक्वल टू बी बाई टी, कब लगता है, जब एक प्लेट पॉजिटिव हो दूसरी प्लेट नेगेटिव हो, बीच में डिस्टेंस हो, या दो इक्विपोटेंशियल्स के बीच में इज इक्वल टू बी बाई टी, तब लगेगा पैरेलल प्लेट्स वाले पे, याद है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब यूनिफॉर्म होगी सिर्फ तब लगेगा, इज इक्वल टू बी, इसमें अदरवाइज नहीं लगेगा। इसमें अगर आप लगा देते हो नंबर मिलेंगे 0, आंसर ठीक है मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ जी,
आ रहा है पर फॉर्मूला तो गलत लगाया आपने, लॉजिकली तो चीज गलत है, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको क्योंकि लॉजिकली आपने गलत किया, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला वैलिड ही नहीं है। वो E इज इक्वल वोल्टेज बाय डिस्टेंस पॉइंट चार्ज के लिए। आ जाते हैं आगे पे फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ, अ चार्ज ऑफ 1 mC इज लोकेटेड एट द ओरिजिन। एक चार्ज है 1 mC का, इसको आपने ओरिजिन पे रख दिया। एट मिली कूलम का चार्ज, इट इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। कैलकुलेट द वेक्टर इन टेकिंग अ स्मॉल चार्ज ऑफ -2 nC फ्रॉम 003 to 040। ये एक्स, ये वाई, ये जेड। 003 to 040 बाय अ पॉइंट 069। तो इधर से इधर गए, फिर इधर से इधर गए, यही हुआ। अब वर्क डन क्या, इस पर डिपेंड करता है कि पाथ कौन सा फॉलो किया। वर्क डन सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे। क्या रिलेशन होता है इसका, कैसे रिलेशन लगाते हो। सबसे पहले इसको पी पॉइंट, पी नाम दिया हुआ ना, ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, ये आर पॉइंट है। सो टोटल वर्क डन होगा क्यू नॉट इंटू पी Q माइनस बी पी फाइनल बाई इनिशियल। बाय द फील्ड तो नहीं है, नहीं वर्क डन बोला तो, यानी अगेंस्ट द फील्ड। सो Q नॉट कितना है, किस चार्ज को लेके गए आप, -2 nC को। टेस्ट चार्ज कौन सा है, -2 nC। पोटेंशियल ऑफ Q K 8 mC डिवाइडेड बाई डिस्टेंस 4 cm माइनस के 8 mC डिवाइडेड बाय 3 cm। ठीक है, के क्यू बाय आप के क्यू बाय आर दोनों के लिए लगा दिया। अब कॉमन लीजिए, वर्क टाइम कितना हुआ, -2 × 10⁻¹⁹ के कॉमन, 8 mC कॉमन, डिनोमिनेटर में 10⁻²⁰ कॉमन, 1/4 - 1/3। सिंप्लीफाई, 9 और 9 उड़ गया, 9 × 2 = 18, 8 × 72 = 144 - 144 × 10⁻¹⁴, तो 14.4। और ये कितना आया, या बात नहीं करेंगे, कैंसिल हो रहा है। सो यू वट -2 × 9 × 8 −1/12 4 × 2 = 4, 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 12 और ये हो गया +1.2 joules। ये वर्क डन गया, पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होगा, सिर्फ किस पे डिपेंडेंट होगा, इनिशियल एंड फाइनल पोजिशंस पे। ये बात क्लियर है, पक्का समझ में आ गई। प्लीज इस पे लिखना है जो लिख लो, जो गलती थी वो भी लिख लो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आगे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 and 7। 6, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच इक्वल टू क्यू आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस एट एक्स इक्वल टू 1, 2, 4 एंड सो ऑन, फाइंड द पोटेंशियल एट एक्स इक्वल टू 0 ड्यू टू दिस सेट ऑफ चार्जेस। सो प्लीज पे अटेंशन, x = 0, x = 1, x = 2, x = 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। सारे चार्जेस कितने हैं, फाइंड द पोटेंशियल विद द पोटेंशियल एट द ऑब्जेक्ट सेंटर पे निकाल रहा। ये चार्ज है क्यू क्यू क्यू, सो टोटल पोटेंशियल एट ओ कितना होगा, के क्यू बाय 1 m पहले चार्ज की वजह से, प्लस के क्यू बाय 2 m दूसरे चार्ज की वजह से,
तीसरे की वजह से के क्यू बाय 4 मीटर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ये सुनो, इसमें कोई डायरेक्शन डायरेक्शन का तो पंगा होता नहीं, सीधा के क्यू बाय आर करना होता है, के कॉमन, के की टर्म्स में रिजल्ट वेरिएबल्स, के क्यू कॉमन 1 + 1/2 + 1/4 अप टू इन्फिनिटी, क्या बन गया, इनफाइनाइट जीपी बन गया। इनफाइनाइट जीपी में सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए अमॉन 1 - कॉमन रेशियो, सॉल्व करके आ गया 2k। ठीक है, आगे बोला व्हाट इफ ऑपोजिट चार्जेस आर हैव ऑपोजिट साइन, इफ ऑपोजिट नहीं कंसेक्यूटिव, इफ कंसेक्यूटिव चार्जेस आर नेगेटिव तो क्या होगा, टोटल पोटेंशियल हो जाएगा पहले की वजह से के क्यू बाई वन, दूसरे की वजह से के माइनस क्यू बाई टू, तीसरे की वजह से के क्यू बाई फोर, चौथे की वजह से के माइनस क्यू बाई एट एंड सो ऑन। ये सुनो, के क्यू कॉमन क्या बचा, 1 - 1/2 + 1/4 - 1/8 अप टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट सीपी बन गया, फर्स्ट टर्म 1 कॉमन रेशो माइनस आप, तो रिजल्ट क्या आया, ए अपॉन 1 - कॉमन रेशो, नीचे आया 3/2, तो 2/3 ऑफ के क्यू बाय के क्यू, 2/3 के। ठीक है, समझ में आ गया सबको, ऑनलाइन क्लियर है सबको बेटा ये। ठीक है, नेक्स्ट यस आ रहे हैं सेवेंथ पे। सेवेंथ तो वैसे ही क्या कह रहा है, सेवेंथ कह रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू मेटल प्लेट्स 3 मिलीमीटर अपार्ट कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी। दो मेटल प्लेट्स हैं, ये दो मेटल प्लेट्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस है 3 मिलीमीटर और बैटरी आपने लगाई 12 वोल्ट की। अब प्लेट्स आ गया, यूनिफॉर्म फील्ड होगी तो इसमें चल सकता है, कौन सा, E इज इक्वल टू बी बाई डी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस, तो वोल्टेज क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली है, E इज इक्वल टू बी बाई डी, 12 वोल्ट फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यू आर गलत, क्या वोल्ट पर मीटर होगी, सो 1200 वोल्टेज 12 / 3 मिलीमीटर, सो ये आ गया 4000 वोल्ट पर मीटर, बुक में करेक्शन कर लो, ये रिटर का आंसर है। ठीक है, लॉजिकली तो समझ में आ गया, ऑनलाइन सबको लॉजिकली क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं एट्थ पे ध्यान दीजिए, एट कह रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू चार्ज इतना लोकेटेड एट 0.09 मीटर्स अवे। फर्स्ट पार्ट बिल्कुल फुकू, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज इतना लोकेटेड एट 0.09 मीटर्स अवे, वो एक चार्ज है 4 × 10⁻⁷ कूलम, ये इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल रहे 0.09 मीटर्स दूर, तो पोटेंशियल एट मी कितना होगा, के क्यू बाय आर, बताओ के की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁻⁹, क्यू की वैल्यू 4 × 10⁻⁷, आर की वैल्यू 9 × 10⁻², कितना आया 4 × 10⁴ वोल्ट। पहला डीएफ, सेकेंड पार्ट, बर्थ डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज इतना फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, सो बर्थ डन आपको इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाने का चाहिए, कितना होगा, क्यू नॉट इंटू पी पी बाय द सी इन्फिनिटी, पी इन्फिनिटी क्या होता है, 0, किस चार्ज को लेकर आए आप, 2 nF को, 2 × 10⁻⁹ को लेकर आए, और पोटेंशियल पी पॉइंट का क्या है, 4 × 10⁴, रिजल्ट कितना आया, 8 × 10⁻⁵ जूल्स। क्लियर, समझ में आ गया, आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, नाइन के लिए, अ पार्टिकल हैविंग चार्ज 3 × 10⁻⁹ कूलम मूव्स फ्रॉम ए टू बी अलोंग द स्ट्रेट लाइन अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर्स,
सिचुएशन बनाते हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, एक पार्टिकल है 3 × 10⁻⁹ कूल, उसको इधर से इधर लेके गया, ये चार्ज था 3 × 10⁻⁹ कूल, दोनों के बीच में गैप है 0.5 मीटर्स अपार्ट, 0.5 मीटर्स अपार्ट. द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म अलॉन्ग द लाइन इन द डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी. ओके, वो इसी वेरिएशन करता हूँ. इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को लेकर गए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म हो रहा है ए से बी की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. इनर सेमेन ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इसी चार्ज पार्टिकल को लेके गया, क्यू चार्ज को, और ये क्यू की वैल्यू दी है 4 × 10⁻³⁹, 3 × 10⁻⁹ कूलन. ठीक है, डिस्टेंस दोनों के बीच में है 0.5 मीटर्स. ये गैप समझ, ये सिचुएशन समझ में आती है. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब ई इक्वल बी बाई टी चलेगा, और टी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक, आगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म अलोंग द लाइन इन द डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी विद द मैपिंग यू 200 न्यूटन पर कूल. इलेक्ट्रिक फील्ड है 200 न्यूटन पर कूल. आपको क्या बोला, डिटरमाइन द फोर्स ऑन क्यू, फोर्स ऑन क्यू, फर्स्ट पार्ट, फोर्स की वैल्यू क्या होती है, क्यू नॉट टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड. किस चार्ज को लेके गए आप, 3 nF को, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, 200, रिजल्ट आ गया 600 nN या 6 × 10⁻⁷ न्यूटन. यहाँ तक ठीक है, पहला पार्ट फोर्स समझ में आ गया. सेकेंड पार्ट क्या हो, आगे क्या बोला, वर्क डन ऑन इट बाय द फील्ड एंड द पोटेंशियल डिफरेंस Va − Vb, वर्क डन बाय इट, वर्क डन ऑन इट बाय द फील्ड, वर्क डन बाय द फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, Q0 × V initial − V final, याद है, Q0 × V initial − V final. उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, जो कि मुझे थर्ड पार्ट में ऑलरेडी निकालना भी है, तो पहले मैं Va − Vb निकाल देता हूँ. Va − Vb पोटेंशियल डिफरेंस, ऑब्वियसली ए जो होगा वो हाई पोटेंशियल पे होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ए से बी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज ऑन द फॉल ऑफ पोटेंशियल, तो ए हाई पोटेंशियल पे, बी लो पोटेंशियल पे है, तो Va − Vb कितना हो गया, इलेक्ट्रिक वोल्टेज क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 200, और डिस्टेंस कितना है 0.5, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 100 वोल्ट. वी और वी बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया कितना, 100 वोल्ट. ये मैंने पहले कौन सा कर दिया, थर्ड पार्ट. अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे. सेकेंड पार्ट पे आपको क्या निकालना है, वर्क फोर्स, नहीं वर्क डन. वर्क डन क्या होगा, Q0 × V initial − V final, यस और नो, क्योंकि ये वर्क डन कौन सा निकालना है, बाय द फील्ड, अगेंस्ट द फील्ड होता तो Vp − Va करते, बाय द फील्ड है तो Va − Vb. Q0 कितना है, Q0 है 3 × 10⁻⁹, और Va − Vb कितना है, 100. आंसर आ गया 3 × 10⁻⁷ जूल्स. आप बर्तन को एक और तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो, पूरा क्वेश्चन को आप डिफरेंट सिचुएशन और एक और मेथड से कर सकते हो. इसमें आ रहा हूँ बेटा, दूसरा तरीका बर्तन का करने का क्या है, बर्तन और बाकी सब चीज निकालने का दूसरा मेथड और मेथड. फर्स्ट पार्ट पे आपने फोर्स को निकाल ली, फोर्स वही सेम 6 × 10⁻⁷ न्यूटन. बर्तन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है 6 × 10⁻⁷, डिस्प्लेसमेंट है 0.5 मीटर, रिजल्ट आ गया 3 × 10⁻⁷ जूल्स. ऐसे नहीं कर सकते हो बर्तन. दूसरा, थर्ड पार्ट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस के लिए एक और काम कर सकते हो, Va − Vb के लिए पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वर्क ऑन चार्ज, यही होता है पोटेंशियल डिफरेंस. बर्तन निकाल चुके हो 3 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई किस चार्ज को लेकर गए, 3 × 10⁻⁹, सॉल्व करो 100 वोल्ट. आपकी कॉल आप कैसे कहा जा, पर्सनली मुझे नीचे वाला पसंद है, रीजन ये जल्दी स्ट्राइक करेगा, क्योंकि आप फील्ड्स वगैरह पढ़ रहे हो, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अभी तक लगाया नहीं आप, और वो भी क्यों एप्लीकेबल है, क्योंकि फोर्स कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट फोर्स है, वेरिएबल फोर्स होती तो वो एप्लीकेबल ही नहीं होता.
तब आप यही खेल खेलते हैं, तब पोटेंशियल डिफरेंस से करते, क्योंकि पोटेंशियल इस पर डिपेंड नहीं करता ना कि आपका पाथ कौन सा है। पोटेंशियल सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पर डिपेंड करता है। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सब फील्ड्स में चलेगा, वो वाला कंसेप्ट जो ऊपर मैंने लगाया वो सिर्फ यूनिफॉर्म फील्ड्स में चलेगा क्योंकि उसमें फोर्स कॉन्स्टेंट हो। समझ में आ गया लॉजिक? दोनों क्लियर है? एक मेथड करा तो दूसरा लिख लो, दोनों नहीं हुए तो दोनों लिख लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अ टेस्ट चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। 10 इजी है। अ टेस्ट चार्ज क्यू इज मूव विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू सी अलोंग द पाथ फ्रॉम ए टू बी एंड देन फ्रॉम बी टू सी इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी एंड विच पॉइंट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मोर एंड वाई। सो हर बजाय जहां से मर्जी लेते थे उससे फर्क नहीं पड़ता पोटेंशियल डिफरेंस को। गन दो मान दो, सामने ध्यान दो, पॉइंट्स आपको दे थे बी सी, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 0, बी के दिए 2 3, सी के दिए 2 0, अब आप एक चीज नोटिस करो, इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस कहां बनेंगी? एक तो ये होगी इक्विपोटेंशियल सर्फेस एक्स कोऑर्डिनेट से, एक ये होगी इक्विपोटेंशियल सर्फेस। दोनों के बीच में गैप कितना हो गया? ये 6 0 या 2 0, दोनों के बीच में गैप कितना हो गया? 4 का यूनिट से मीटर में ना, कुछ नहीं बोला जैसे यूनिट समान होगा। अब ध्यान देंगे प्लीज, वोल्टेज क्या होता है? आपको ए और सी के बीच में बोला वोल्टेज बिटवीन ए एंड सी, वोल्टेज बिटवीन ए एंड सी इतना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ई और डिस्टेंस कितना है 4, ये इसकी वैल्यू आ गई 4 ई। और कायदे से देखें तो बी ए जो होगा वो छोटा होगा बी सी से, बाकी ना बी ए छोटा होगा ना बी सी से। क्यों छोटा होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलॉन्ग फॉल ऑफ पोटेंशियल, सो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो सी का पोटेंशियल ज्यादा होगा ए का पोटेंशियल कम होगा। तो अगर मैं वैल्यू वाइज ना देखता वी के सी सिर्फ बोल रहा होता तो आंसर होता -4। और अगर मैग्नीट्यूड देखूंगा तो वो कितना हो जाएगा 4। मैग्नीट्यूड वाइज 4 ए सी का मतलब ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, सो ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव होगा क्योंकि ए इज ऑलवेज एट इन दिस केस ए इज एट लो पोटेंशियल एंड सी इज एट हाई पोटेंशियल। बाई चांस क्वेश्चन में ए और बी बोला होता ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी यही होगी, सेम होती, क्योंकि बी और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा क्योंकि बी और सी पोटेंशियल पे इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 0। समझ में आ गया? -4 ही माइनस लिख सकते हो, कोई दिक्कत? बी ए सी लिखो -4 ही लिखो, कोई दिक्कत? और इसमें क्यों करेंगे बेटा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटीग्रेट करके रिलेशन निकाला इजी को बी बाई डी। बेटा जी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो ये लिखा हुआ है इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस बनी हुई है, तो यूनिफॉर्म होगी ना। अगर नॉन यूनिफॉर्म होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डिपेंडेंस नहीं होती डिस्टेंस के साथ। ये लिखा है यहाँ पे डायग्राम, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? कॉन्स्टेंट होगी कि नहीं? आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11th इस टाइप के क्वेश्चन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और उसमें किया हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड में और फोर्स में न्यूट्रल पॉइंट का कॉन्सेप्ट याद है? न्यूट्रल पॉइंट का होता है इन बिटवीन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है इन बिटवीन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस याद है? जब चार्जेस क्या होते हैं सिमिलर, जब चार्जेस डिसिमिलर होते हैं तो साइड में होता है। पोटेंशियल इफ टू चार्जेस आर सिमिलर, इफ टू चार्जेस आर सिमिलर then there is no point at which potential is zero.
ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं होगा जहां पोटेंशियल जीरो हो अगर दो चार्जेस कहाँ है सिमिलर है, क्यों दोनों पॉजिटिव है। किसी भी पॉइंट पे आप पोटेंशियल निकालोगे दोनों की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, दो पॉजिटिव चीजों को ऐड करके कभी रिजल्ट जीरो आ सकता है, क्यों पोटेंशियल क्या स्केलर क्वांटिटी। सो एक चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए एक चार्ज नेगेटिव होना चाहिए और दोनों पॉइंट साइमल्टेनियस होंगे, मतलब इफ चार्जेस आर डिसिमिलर, इफ चार्जेस आर डिसिमिलर एंड देर आर टू पॉइंट्स एट विच पोटेंशियल इज जीरो, वन बिटवीन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस एंड वन नॉट बिटवीन देम एंड टूवर्ड्स द चार्ज हैव ए लोअर मैग्नीट्यूड। दोनों पॉइंट साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में आपको दो चार्ज दिए प्लस फोर एंड माइनस टू, प्लस फोर माइक्रोकूलम माइनस टू माइक्रोकूलम। सो दो पॉइंट्स होंगे जहां पोटेंशियल जीरो होगा, एक होगा बीच पे कहीं पे, मैंने उसको पी पॉइंट बोल दिया, एक्स डिस्टेंस दूर ले लिया और दूसरा से डिस्टेंस कितना हो गया वन माइनस एक्स। सो पी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा के फोर माइक्रो बाय एक्स प्लस के माइनस टू माइक्रो बाय वन माइनस एक्स। दोनों का पोटेंशियल्स को ऐड करके किसके बराबर कर देंगे जीरो के। क्यों करेंगे जीरो के इक्वल, क्यों करेंगे जीरो के इक्वल, क्योंकि टोटल पोटेंशियल आपको क्या चाहिए जीरो चाहिए। क्या ये बात समझ में आती है, पोटेंशियल होता है स्केलर क्वांटिटी, इट डज नॉट मैटर की डायरेक्शन क्या, क्योंकि डायरेक्शन होती नहीं, ठीक। और चार्ज का मैग्नीट्यूड के साथ साइन भी लेना होता है क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। सॉल्व करो, एक को राइट साइड ले जाऊं, के फोर माइक्रो बाय एक्स इज के टू माइक्रो बाय वन माइनस एक्स, ये पूरा कट गया, टू बचा इधर, टू माइनस टू एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू टू बाई थ्री मीटर्स। सो फोर माइक्रोकूलम से टू बाई थ्री मीटर और माइनस टू माइक्रोकूलम से वन बाई थ्री मीटर, दोनों आंसर ठीक है, एक आ गया ये। दूसरा भी होगा, एक और पॉइंट होगा जहां पोटेंशियल जीरो है, वो पॉइंट बन गया या बाहर टूवर्ड्स द चार्ज हैविंग लोअर मैग्नीट्यूड, क्यू पॉइंट क्लोजर टू द चार्ज हैविंग लोअर मैग्नीट्यूड। इस क्यू पॉइंट पे पोटेंशियल अगर निकाल रहे हैं, डिस्टेंसेज मार्क करते हैं, डिस्टेंसेज मार्क करते हैं, मैंने माइनस टू माइक्रोकूलम से बाई डिस्टेंस मान ली, सो क्यू का पोटेंशियल कितना होगा के माइनस टू माइक्रो बाय बाई प्लस फोर माइक्रोकूलम से कितना होगा के फोर माइक्रो बाय वन प्लस बाई, मानते हो बेटा आउटसाइड लिया माइनस टू की वजह से के क्यू बाय आर, प्लस फोर की वजह से के क्यू बाय टोटल डिस्टेंस। सो दोनों पॉइंट दो आंसर होंगे इसमें हमेशा, एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं है, इनमें से दो तीन ऐसे ऐसा मिलता जुलता एनसीईआरटी के शॉर्ट एग्जाम्पल में भी है, के टू माइक्रो बाय बाय इज के फोर माइक्रो बाय वन प्लस बाय, सो वन प्लस बाय इज इक्वल टू बाय, तो बाय आ गया वन मीटर, बाय की वैल्यू कितनी आई वन मीटर। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, तो दो आंसर हुए, एक होगा इन बिटवीन फोर माइक्रोकूलम से कितना डिस्टेंस दूर 2 बाई थ्री मीटर दूर, एक होगा आउटसाइड माइनस टू माइक्रोकूलम से कितना दूर 1 मीटर दूर, ठीक है समझ में आ गया। एक और देखो ऐसा, दोनों आंसर्स होंगे दो पॉइंट्स का। हाँ जी बेटे, रीजन क्या है दो पॉइंट्स का कि बार बार पोटेंशियल स्केलर है बेटा, डायरेक्शन नहीं होती, तो ऐड करके दो जगह पे जीरो आएगा, एक बीच में, और अगर बार ना होता तो यहां मेरे पास नॉट डिफाइंड रिजल्ट आता, ठीक है नाउ, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर होता है ना, सिंपल ऐड कर सकते हो, डायरेक्शंस का कोई खेल नहीं। सेम इधर ट्वेल्थ में देखो, ये भी ऐसा ही है, टाइम दे दूंगा लिखने के लिए। ट्वेल्थ देखो, आपको बोला दो चार्जेस है प्लस फोर माइक्रोकूलम एंड माइनस सिक्स माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन एयर,
20 सेंटीमीटर हवा में रख दिया. एट व्हाट पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस पोटेंशियल इज जीरो. दो पॉइंट्स लोगे, एक पॉइंट होगा बीच में, पी पॉइंट एक्स डिस्टेंस गोल. ये कितना हो गया 20 माइनस एक्स. सो पी पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया, के 4 माइक्रो बाय एक्स इंटू पी डबा माइनस 2. सेंटीमीटर को भी डबल चेंज करेंगे, जरूरत नहीं है वैसे, पर लिखना पड़ रहा है क्योंकि सब ऐसा ही यूनिट्स में चल रहा है. माइनस 6 माइक्रो वो कट जाएगा इस 20 माइनस एक्स, एक्स मेरे सेंटीमीटर में ही है, इंटू टेन डबा माइनस 2 इक्वल टू कर दो 0. के कॉमन, माइक्रो कॉमन, टेन डबा माइनस 2 कॉमन. 4 अपॉन एक्स इज 6 अपॉन 20 माइनस एक्स, 2 से भी कट रहा है या 2 बचा. 40 माइनस 2 एक्स इज इक्वल टू 3 एक्स, एक्स इक्वल टू पी एच साइन लिखेंगे. दूसरा पॉइंट होगा आउटसाइड, आउटसाइड मैंने मान लिया यहाँ पे प्लस 4 की तरफ होगा, क्लोजर टू द चार्ज हैविंग लोअर मैग्नीट्यूड. ये डिस्टेंस मान लिया बाय क्यू पॉइंट. सो पोटेंशियल एट क्यू कितना होगा, के 4 माइक्रो बाय पी टू टेन बाय माइनस 2 प्लस माइनस 6 से डिस्टेंस 20 प्लस 5, के माइनस 6 माइक्रो बाय 20 प्लस 5 इंटू टेन टू माइनस 2. दोनों का सम किसके बराबर, 0 के. के कॉमन, माइक्रो कॉमन, टेन टू माइनस 2 कॉमन. 4 से 6 कट गया, 2 बचा, 2 अपॉन बाय इज 3 अपॉन 20 प्लस 5. सो 40 प्लस 2 बाय इज इक्वल टू 3 बाय आ गया 40 सेंटीमीटर. दो पॉइंट्स हो गए जहां पोटेंशियल क्या है, सी. क्लियर, प्लीज इसको लिख लीजिए जिस तरह लिखता है. नेक्स्ट देखते, नेक्स्ट बोल रहे हैं, 8 चार्ज्ड वाटर ड्रॉपलेट्स ईच ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर एंड चार्ज टेक द माइनस 19 कूलम कोलीज टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप. वो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में काफी आता है इस टाइप का. कोलीज का इसमें दो कॉन्सेप्ट लगते हैं. जब ड्रॉप्स कोलीज करते हैं तो वॉल्यूम्स इक्वेट करते हो रेडियस निकालने के लिए. सो आपके पास कितनी है, 8 ड्रॉप्स. सो रेडियस ऑफ 1 ड्रॉप वो मैंने मान लिया स्मॉल आर. सो न्यू रेडियस ऑफ कंबाइंड ड्रॉप उसको मैंने वाला कैपिटल आर. सो 4 बाय 3 पाई आर क्यूब आपके पास होगा 8 टाइम्स 4 बाय 3 पाई आर क्यूब. वॉल्यूम्स इक्वेट कर दिए, 8 ड्रॉप्स का वॉल्यूम मिल के एक बड़ी ड्रॉप बन गया. 4 बाय 3 पाई कट गया, आर की वैल्यू अभी 2 आर. सो नया रेडियस जो होगा वो ओरिजिनल का डबल होगा. पहला कॉन्सेप्ट ये लगता है. दूसरा कॉन्सेप्ट लगता है चार्ज कंजर्वेशन. सो चार्ज ऑन 1 ड्रॉप, एक ड्रॉप पे चार्ज कितना है 10 टू पावर माइनस 9. चार्ज ऑन 1 ड्रॉप कितना है 10 टू पावर माइनस 9. चार्ज ऑन 1 स्मॉल ड्रॉप और 10 टू पावर माइनस 9 कूलम. और जो रेडियस 1 था वो भी इससे आ जाते हैं, यू गेट 2 मिलीमीटर. सो देयरफॉर चार्ज ऑन बिग ड्रॉप वो कितना हो जाएगा, 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 कूलम. 8 का जुड़ गया, चार्ज क्या रहता है, कंजर्व रहता है. सो अब यानी न्यू वोल्टेज कितना हो गया, वोल्टेज का फॉर्मूला के क्यू बाय आर. के कितना, 9 इंटू 10 टू पावर 9. चार्ज था 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 9. रेडियस कितना, 2 मिलीमीटर, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3. सो ये हो गया 4, ये कट गया 36,000 वोल्ट, 36 किलो वोल्ट. क्लियर, समझ में आ गया. तो दो कॉन्सेप्ट लगते हैं इसमें. पहला कौन सा लगता है, पहला लगता है आपका वॉल्यूम्स इक्वल का, कि जो ओरिजिनल वॉल्यूम है, जो न्यू वॉल्यूम है वो टोटल ओरिजिनल का सम हो जाएगा. और दूसरा लगता है चार्ज कंजर्वेशन, कि एक ड्रॉप पे चार्ज जितने ड्रॉप्स है उसके चार्ज से मल्टी, नंबर ऑफ ड्रॉप से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल चार्ज आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट 14th पे ध्यान दीजिए. फोर्टीन कह रहे हैं
टू पॉजिटिव चार्जेस इतना इतना सेपरेटेड बाय इतना कैलकुलेट द वर्क डन इन रिड्यूसिंग अ डिस्टेंस टू 5 सेंटीमीटर. इजी क्वेश्चन. क्या करते हैं इसमें, इनिशियल एनर्जी निकालते हैं सिस्टम की. इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, के 0.2 माइक्रो और क्यू वन के क्यू वन क्यू टू बाय आर होता है ना, के क्यू वन क्यू टू बाय आर इनिशियल. के की वैल्यू मैग्नीट्यूड पर लाइन, पहला चार्ज 0.2 माइक्रो, 0.2 इंटू टेन टू पावर माइनस सिक्स. दूसरा चार्ज 0.1 माइक्रो, 0.1 इंटू टेन टू पावर माइनस सिक्स डिवाइडेड बाय इनिशियल डिस्टेंस. इनिशियल डिस्टेंस हिप तक 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू टेन टू पावर माइनस टू. सॉल्व करके कितना आया, 9 to 18 इंटू 0.1 0.18, 8 टू 10 टू द पावर ऊपर आ गया माइनस 3, नीचे कितना है माइनस 1, 0.18 इंटू 10 पावर माइनस, या 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 3 जूल्स. ये आ गई इनिशियल एनर्जी, ये आ गई इनिशियल एनर्जी. फाइनल एनर्जी कितना हो जाएगा, नया डिस्टेंस ले लोगे, फाइनल एनर्जी हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू बाई फाइनल डिस्टेंस. ये सॉल्व करके आ जाएगा डबल इसका, 3.6 इंटू 10 पावर माइनस 3. सब कुछ सेम है, डिस्टेंस हाफ हो रहा है, डिस्टेंस हाफ हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एनर्जी डबल हो जाएगी. सो यानी जो वर्क डन होगा वो क्या, वो क्या होगा, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 3 जूल्स. क्या ये क्लियर है, समझ में आ गया. नेक्स्ट 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15th कह रहा है, what potential difference must be applied to produce an electric field that can accelerate electron to 1/10 the velocity of light when ye concept ke liye bata raha hai, whenever a charged particle is accelerated by applying potential difference. जब भी पोटेंशियल डिफरेंस लगा के आप किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हो तो लॉजिक क्या लगता है, चार्ज इनटू वोल्टेज इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. चार्ज इनटू वोल्टेज क्या होगा, ये होगा वर्क डन. वर्क डन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में. अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो चार्ज पार्टिकल स्पीडअप होगा कि नहीं होगा. मैं चार्ज पार्टिकल हूँ, पॉजिटिव चार्ज, इधर लगाया पॉजिटिव, इधर लगाया नेगेटिव, मैं इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड स्पीडअप लूंगा कि नहीं, क्योंकि मुझ पर फोर्स लग रही है. सेम अगर मैं नेगेटिव चार्ज हूँ तो अपोजिट डायरेक्शन में पकड़ूंगा, पर फील्ड तो आएगी. सो होगा कि नहीं, इसमें लॉजिक क्या लगता है, जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया उसकी वजह से जो वर्क डन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में. कौन सी एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में. सो वर्क डन बाय द फील्ड कितना होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर. अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आ जाते हैं. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, 15th क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, 15th क्वेश्चन में बोला कि एक इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज की वैल्यू क्या हो गई, 1.6 इनटू 10 टू द माइनस 19 कूलम. पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है और आपको वेलोसिटी चाहिए 1/10 द वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 × 10⁻¹⁷ मीटर्स पर सेकंड. कितनी स्पीड चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट, चार्ज इनटू वोल्टेज 1.6 × 10⁻¹⁹ इनटू वोल्टेज इज हाफ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.18 × 10⁻³¹ इनटू वेलोसिटी द स्क्वायर 3 × 10⁻¹² क्या आप वोल्टेज निकाल सकते हो. लॉजिक समझ में आ गया, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, अभी तो काम आ ही रहा है, कम आ रहा है, आगे जाके बहुत काम आएगा. जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को आप एक्सेलरेट करोगे तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, मतलब चार्ज इनटू वोल्टेज जो होगा, वो हमेशा उस बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में. आ जाते हैं 16th, एकदम खुदूम सा. आपको बोला There is a point charge capital Q at the distance r by 2 from the sector of circle of radius r. ये सर्कल है, रेडियस r
आपने यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू रख लिया, ये डिस्टेंस है आर बाई टू, ये भी है रेडियस का हाफ, ये है रेडियस, यही सिचुएशन दी है। अब आपको क्या बोला, आपको क्वेश्चन में बोला हाउ मच ए और बी पॉइंट्स, ये भी ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब आप किसी चार्ज पार्टिकल को क्वेश्चन में बोला अनदर पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू इज टू बी मूव फ्रॉम ए टू बी वेयर ए एंड बी आर टू पॉइंट्स डायरेक्टली अपोजिट टू ईच अदर, हाउ मच वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय कैपिटल क्यू ऑन स्मॉल क्यू। ये आपको सोर्स चार्ज दिया हुआ है, आप ए से बी पे किसी एक चार्ज को लेकर आए स्मॉल क्यू को, तो ये कौन सा हो गया टेस्ट चार्ज। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन क्या होता है टेस्ट चार्ज इंटू पी बी माइनस वी एन, तो टेस्ट चार्ज इंटू बी पॉइंट्स का पोटेंशियल के क्यू बाय आर बाय टू इजंट इट, और ए पॉइंट का पोटेंशियल के क्यू बाय थ्री आर बाय टू आर प्लस आर बाय टू, के क्यू कॉमन आर कॉमन वाज अ टू माइनस टू बाय थ्री, छः में दो बाई चार, फोर के क्यू खेन बाई थ्री आर, बताओ मुश्किल था, देखने में डरा ना, समझ में आ गया, प्लीज इसको लिख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट भी लिख लो। आगे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 17th, 17th कह रहा है थ्री पॉइंट चार्जेस क्यू ईच आर अरेंज्ड एट द थ्री वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तीन चार्जेस इन क्यू क्यू क्यू, डिस्टेंस है 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है के क्यू वन क्यू टू बाय 1 सेंटीमीटर प्लस के क्यू वन क्यू टू के क्यू टू क्यू थ्री बाय 1 सेंटीमीटर प्लस के क्यू थ्री क्यू वन बाय 1 सेंटीमीटर, यही होगा बेटा, यही होगा के क्यू वन क्यू टू बाय आर, के क्यू टू क्यू थ्री बाय आर प्लस के क्यू थ्री क्यू वन बाय आर, सारे डिस्टेंसेस बराबर है, तो थ्री टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाई 10^-2 वैल्यू ला लो, 3 × 9 × 10^9 क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, चार्जर 3 × 10^-7 सो 9 × 10^-14 डिवाइडेड बाय 10^-2 कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आंसर नंबर 17 18th कह रहा है थ्री चार्जेस प्लस क्यू प्लस टू क्यू माइनस थ्री क्यू आर प्लेस एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड एल, इफ दीज चार्जेस आर डिस्प्लेस्ड थ्रू द मिड पॉइंट्स फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन। वर्क डन वाले क्वेश्चंस कैसे करते हो, इनिशियल एनर्जी निकालते हो सिस्टम की, फाइनल एनर्जी निकालते हो सिस्टम की, और दोनों को क्या कर देते हो सब्ट्रैक्ट। इनिशियल एनर्जी पहले जो है वो साइड है कितनी एल, तो इनिशियल एनर्जी सिस्टम की कितनी होगी, के सारे पेयर्स लेते हो Q1, Q2, Q1, Q2, by L, plus K, Q2, Q3, 2Q into minus 3Q, by L, plus J, Q or 3Q, Q or minus 3Q, by L, मानते हो, K common, Q square common, L common, 2 minus 6 minus 3, 6, 7, 8, 9, 7 माइनस 7 के क्यू स्क्वायर बाय एल। फाइनल एनर्जी कितनी हुई, एल बाय टू गैप्स हो गए, तो फाइनल एनर्जी हो गई के क्यू 2Q बाय एल बाय टू प्लस के 2Q माइनस 3Q बाय एल बाय टू के क्यू माइनस 3Q बाय एल बाय टू, सॉल्व करके आएगा माइनस 14 के क्यू स्क्वायर बाय एल। वर्क डन कितना हुआ,
फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी कितना हुआ, माइनस 7 के क्यू स्क्वायर बाय एन। क्लियर? बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इजी है, मुश्किल तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाए। 19th में आपको क्या बोला, 19th में आपको बोला टू चार्जेस इतना 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 प्लेस एट कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर और चार्ज मस्ट बी प्लेस एट द फोर्थ कॉर्नर सो दैट पोटेंशियल एट द सेक्टर ऑफ द स्क्वायर इज जीरो। स्क्वायर की साइड नहीं गिवन, इसको ए मान लो, ये भी ए हो गया, ये लेंथ कितनी हो गई रूट टू पाई से, आधी कितनी हो गई ए बाई रूट टू, इसको मैंने थोड़ी देर गया आर ले लिया, सो आर मैंने ले लिया ए बाई रूट, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, मानते हो? अब आपको क्या बोला, फोर चार्जेस, एक है 2 माइक्रोकूलम, एक है 4 माइक्रोकूलम, एक है 6 माइक्रोकूलम, एक मान लिया क्यू। फोर्थ कॉर्नर पे कितना चार्ज होगा कि सेंटर पे पोटेंशियल जीरो है, पोटेंशियल एट ओ आपको कितना चाहिए, जीरो। सो पहले चार्ज की वजह से के 2 माइक्रो बाय आर, दूसरे की वजह से के 4 माइक्रो बाय आर, तीसरे की वजह से के 6 माइक्रो बाय आर, चौथे की वजह से के क्यू बाय आर, टोटल पोटेंशियल कितना हुआ, जीरो। के और आर कॉमन निकल के खत्म, 12 माइक्रो प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, क्यू कितना आ गया, -12 माइक्रो कूल। इजी था, आसान क्वेश्चन था रिस्क, बट लॉजिक बेसिक कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग हो तो ईजी है, कॉन्सेप्ट हिले क्वेश्चन हिल। 20th पे आ जाइए, 20th पार्शियल डेरिवेटिव से होगा, क्या बोला था आपको, पोटेंशियल दिया हुआ है 4x² + 4y² + 4z² 4x² + 4y² + 4z² आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 - 1, 2, तो सबसे पहले डेल बी बाई डेल एक्स निकालो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते हो तो वाई और जेड क्या हो जाते हैं, कॉन्स्टेंट। विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते हो तो वाई और जेड क्या हो जाते हैं, कॉन्स्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव हो गया 8x, इसका जीरो, इसका जीरो। डेल बी बाई डेल वाई, विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो एक्स और जेड हो गया कॉन्स्टेंट, ये हो गया 8y। डेल बी बाई डेल जेड, ये हो गया 8z। सो डेल बी बाई डेल एक्स एट पॉइंट 1 - 1, 2, ये हो गया 8 वोल्ट पर मीटर, या अभी छोड़ दो वैल्यू बाद में। डेल बी बाई डेल वाई एट 1 - 1, 2, ये हुआ -8। डेल बी बाई डेल जेड एट 1 - 1, 2, ये हो गया 16। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट माइनस डेल बी बाई डेल एक्स आई कैप, डेल बी बाई डेल वाई जे कैप, डेल बी बाई डेल जेड के कैप। याद है बेटा ये, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ब्रैकेट खोल के वैल्यू डालो, -8i + 8j - 16k, दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 20। आ जाते हैं 21 पे, आसान क्वेश्चन, 22 बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 करके मैं साइड हो जाऊँ, आप लिख लेना 21 पहले। 21 क्वेश्चन कह रहा है थ्री पॉइंट चार्जेस 1, 2, and 3 आर प्लेस एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 1 मीटर, कैलकुलेट द बल्क देम टू रिड्यूस द डिस्टेंस टू स्मॉलर ट्रायंगल। कल किया था ऐसा सिमिलर क्वेश्चन लास्ट क्लास में। सो इनिशियल एनर्जी सिस्टम की के 1 कूलम 1 2 1 कूलम 2 कूलम डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है, पहले 1 मीटर, फिर के 2 कूलम 3 कूलम डिवाइडेड बाई 1, के 3 कूलम 1 कूलम डिवाइडेड बाई 1। ये आ जाएगी इनिशियल एनर्जी, इसको टोटल कर दोगे तो इनिशियल एनर्जी कितनी आई जब इनको जोड़ूंगा तो, सो के कॉमन, 2 + 6 2 + 6 कितना होता है 8 8 + 3 11, सो 11k रख लो। फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, के 1 2 / 1/2, के 2 3 / 1/2, के 3 1 / 1/2, रिजल्ट आ गया 22k। बर्तन कितना होता है, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, दैट इज 11k
दैट इज 99 इंटू 10 टू द पावर 9 जूल्स. क्लियर? नो प्रॉब्लम. 22 पे देखिए और उसके बाद पे साइड हो जाऊंगा. आप ये क्लियर है? 22 पहले समझना. 22 आपको बोला टू सर्कुलर वायर लूप्स ऑफ रेडियस 0.05 एंड 0.09 रिस्पेक्टिवली आर पुट सच दैट देयर एक्सेस पॉइंट साइड्स एंड द डिस्टेंस आर 0.2 मीटर्स अपार्ट. एक छोटा लूप है, एक बड़ा लूप है. छोटे लूप का रेडियस है 0.05, बड़े लूप का रेडियस है 0.09. ठीक है, छोटे लूप का रेडियस है 0.05, बड़े लूप का रेडियस है 0.09. किसी भी लूप पे, किसी भी सर्कल पे अगर कुछ भी चार्ज है, टोटल चार्ज, तो उसके सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है वो होता है KQ बाय रेडियस. किसी भी लूप में कोई भी चार्ज है तो उसकी एक्सिस पे पोटेंशियल कितना होता है? एक्सिस पे पोटेंशियल होता है KQ बाय दिस डिस्टेंस. ये वाला डिस्टेंस जो पाइथागोरस से निकलता है, ये हमने प्रूफ्स की फॉर्म में भी किए हुए हैं. एक्सिस पे, ठीक. अब आ जाता है इस पे. इसमें क्या बोला? दोनों पे चार्ज है, पॉइंट साइड कर रहे हैं, डिस्टेंस है 0.2 मीटर. दोनों के पास 1 कूलम चार्ज है टोटल. आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है सेंटर्स का. तो ए पॉइंट ये बोल दिया, बी पॉइंट ये बोल दिया. ए का पोटेंशियल निकालते हैं अपने चार्ज की वजह से. ये जो अपना इसका 1 कूलम है उसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा? के 1/0.05. ये सुनो, के क्यू बाय रेडियस प्लस ये जो चार्ज है इसके लिए ये पॉइंट एक्सिस पे, तो डिस्टेंस ये कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ 0.02 का स्क्वायर प्लस 0.09 का स्क्वायर. 144 और 81.225 कितना हुआ? 0.15 मीटर्स. तो इस चार्ज की वजह से भी यहाँ पोटेंशियल होगा, वो कितना होगा? के क्यू बाय 0.15. क्या ये बात समझ में आती है? एक्सेस वाले पे डिस्टेंस कौन सा लेते हो? जो चार्ज का डिस्टेंस है, के क्यू बाय दिस. सर्कल पे सेंटर पे निकालना है तो के क्यू बाय रेडियस. सो के कॉमन कितना बचा? 100/5 प्लस 100/50. 100/5 कॉमन माने 20 कॉमन बचा. 1 + 1/3 4/3 80/3 इंटू के. ये हो गया इसका पोटेंशियल. वीकर्स बताओ सब कुछ. ये इसका पोटेंशियल हो गया ए पॉइंट का. अब आ जाते हैं बी पॉइंट के पोटेंशियल पे. बी पॉइंट का पोटेंशियल अपने चार्ज की वजह से के क्यू बाय रेडियस. जो पड़ोस वाला ये छोटा रह गया इसके लिए तो ये एक्सेस हो गई कि नहीं हो गई? तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? अंडर रूट ऑफ 0.12 का स्क्वायर प्लस 0.05 का स्क्वायर. सॉल्व करके आया 0.13. तो ये आ गया के क्यू बाय 0.13. कॉमन लो, के कॉमन 100 कॉमन आ जाएगा. 1/9 + 1/30. सो 9 × 10^11. ये आप के की टर्म्स में निकालते हो क्योंकि पहले के की टर्म्स में चल रहा था पिछला भी. सो के इंटू 100 इंटू 22/9 × 30. ये हो गया बी पॉइंट का पोटेंशियल. ठीक है, कुछ नहीं करेगा. 2200 के बाई 13 × 9 कितना हुआ? 170. नंबर टू, आपको बी ए माइनस डी बी निकाल पाए, निकल जाएगा बी ए निकल जाएगा के की वैल्यू डाल के, बी बी निकल जाएगा के की वैल्यू डाल के, और फिर आंसर आ जाएगा. के की वैल्यू डाल दो, नहीं कट जाएगा. कैलकुलेशन कर दो, कुछ नहीं है, मुश्किल नहीं है. रुक जाओ, के की वैल्यू साथ साथ ही डाल देते हैं, इसमें भी डाल देते हैं. इस वाले में अगर के की वैल्यू डालेंगे ये आ गया 80/3 × 9 × 10^9. ये हो गया 3.
24 × 10^10 वोल्ट। ठीक है, इस पे आ जाओ, ये कितना हुआ 9 × 10^9 × 10^2 × 22/9 × 13 ये कट गया 22/13 × 10^11 220/13 तेरह एकदम तेरह कितना आया 90 13 6 78 13 6 78 12.09 16.9 16.9 × 10^10 वोल्ट। सो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, पी वी ए माइनस बी बी कितना हुआ, सब्ट्रैक्ट करो 24 में 16.9 गए कितना बचा 4 × 7 7.1 × 10^10 वोल्ट करेक्शन मैम। ठीक है, इस बार कैलकुलेशन चेक कर मैंने सही है सर। हाँ बस ठीक है, ये क्या आंसर उसमें लॉजिकली समझ में आ गया ना, कंसेप्ट क्लियर है, ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको इसका, सबको अंडरस्टैंड? यस सर। पहले इसको लिख लो बेटा फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट 23rd वेरी क्यूट क्वेश्चन, वेरी क्यूट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा 23rd। बहुत आसान है, देख रहे हैं इतना भयंकर है ना, और है वो दूसरा क्या है, 2 point charges each of 1 microcoulomb are placed 3 meters apart, 4 kg, दो चार्जेस है, दोनों के दोनों कितने हैं 1 microcoulomb। आपने दोनों को 3 meter दूर रख दिया, a third particle of charge minus 1 microcoulomb is projected along the perpendicular bisector of the line of the distance between the two particles from the midpoint with kinetic energy 10^-3 joules. इधर एक चार्ज रखा माइनस वन microcoulomb, इसको मैंने यहां से फेंक दिया काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने, यही बोला है ना क्वेश्चन में, इधर खड़ा है वन, इधर खड़ा है वन, मैं बीच में माइनस वन, मुझे ये भी अट्रैक्ट करा, मुझे ये भी अट्रैक्ट करा, मैं इक्विलिब्रियम में होऊंगा, मैंने लात मारी अपने आप को और मैं ऊपर उड़ गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी अपने आप को प्रोवाइड कर। अब जब काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करूंगा तो ये वन और ये वन दोनों मुझे अट्रैक्ट करेंगे, तो मैं कहीं ना कहीं जाके रुकूंगा कि नहीं रुकूंगा, जहां रुकूंगा कहीं ना कहीं जाके रुकूंगा, क्योंकि ये भी मुझे अट्रैक्ट कर रहा है और ये भी मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, जहां रुक जाऊंगा मान लिया वो पी पॉइंट है, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, सिर्फ कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैंने प्रोवाइड किए हैं ए पॉइंट पे, और पोटेंशियल एनर्जी भी है इन दोनों की वजह से यहां पे। सो क्या लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी एट ए पॉइंट होगी काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी एट 10^-3 जो हमने प्रोवाइड की, इन दोनों चार्ज की वजह से यहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, के 1 micro − 1 micro/3/2 प्लस के 1 micro − 1 micro/3/2 मानते हो बेटा, और इक्वी पोटेंशियल क्यों होगी बेटे, इक्वी पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किसी चार्ज की, किसी भी चार्ज की फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी होती है कि नहीं होती, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना बेटा, इंफिनिटी से अगर मैं इधर तक ला रहा हूं, इधर रख रहा हूं, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा ना दोनों के अगेंस्ट, तो इन दोनों की वजह से यहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगी ना उसकी। ठीक है, सो कितना हुआ ये 10^-3 अपनी जगह पे ट्वाइस ऑफ के 10^-6 − 10^-6/3/2 ये प्लस दबिज सॉल्व करते हैं, 3 दिया 9 कितना है ये 10^-3 प्लस 6 − 6 × 10^10
सिक्स भी नहीं, ट्वेल्व, ट्वेल्व इंटू टेन टू द पावर टू माइनस, टोटल एनर्जी हो गई माइनस इलेवन इंटू टेन टू पावर माइनस जूल्स, ये हो गई ए पॉइंट पे। अब जब वो पी पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी रहेगी सिर्फ, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। तो एनर्जी एट पी होगी पोटेंशियल एनर्जी एट पी, पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ इन दोनों की वजह से होगी। यहाँ पे भी डिस्टेंस कितना हो गया, मान लिया ये एक्स हाइट ऊपर गया जो कि आपको निकालना है, हाउ फार द पार्टिकल मूव, ये कितना होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, पहले आर ले लेते हैं इसको थोड़ी देर, आर निकाल लेते हैं, आर के बाद एक्स निकाल लेंगे, कितना हुआ के वन माइक्रो माइनस वन माइक्रो बाय आर, इसकी वजह से पहले वाले की वजह से और फिर दूसरे वाले की वजह से भी सेम, तो इंटू टू, या कैलकुलेशन जबरदस्ती की मैंने, जरूरत नहीं ठीक प्लस होगा था, तो ये कितना आया माइनस नाइन इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइन इंटू टेन टू द पावर माइनस ट्वेल्व इंटू टू बाई आर नंबर टू। टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है ए पे और पी पे, एनर्जी कंजर्व रहेगी, ए पे एनर्जी कितना है माइनस इलेवन इंटू टेन टू पावर माइनस थ्री, यहाँ पे कितना है माइनस एटीन इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री अपॉन आर, फट गया आर की वैल्यू आ गई अठारह बाई ग्यारह। हमें एक्स निकालना है, एक्स होगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस नाइन बाय फोर, थ्री बाई टू का होल स्क्वायर, तो रिजल्ट आया अंडर रूट ऑफ एटीन बाय इलेवन का स्क्वायर माइनस थ्री बाई टू का स्क्वायर। अब पॉइंट्स में कैलकुलेशन में देख, समझ में आ गई बात क्लियर। ये एक नए टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा आया नहीं कभी, बट कॉन्सेप्ट तो है ना सारे कोर्स में। लॉजिकली समझ में आ गया क्वेश्चन, ऑनलाइन सबको लॉजिकली क्लियर है बेटा? यस सर। आपने सेकंड स्टेप में क्या करा? मैंने ए पॉइंट पे बात की, ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैंने प्रोवाइड की लात मार के उस चार्ज को, पोटेंशियल एनर्जी तो थी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में था वो, जब वो ऊपर गया तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे चेंज हो रही है, कौन सी पोटेंशियल कब होती जाएगी, सिर्फ काइनेटिक रह जाएगी, काइनेटिक जीरो हो जाएगी टॉप पे, पोटेंशियल चेंज होती है जब चेंज हो। बेटे बार बार अनम्यूट मत करो प्लीज, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी जीरो, हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी जीरो, क्योंकि बाहर रुक के वो वापस आएगा, जहां रुकता है वहां काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है जीरो। तो ए पॉइंट पे काइनेटिक दी हुई है, पोटेंशियल हमने निकाल ली, पी पॉइंट पे काइनेटिक जीरो हो गई, पोटेंशियल हमने निकाल ली, दोनों को इक्वेट कर दिया क्योंकि एनर्जी क्या रहती है कंजर्व, एनर्जी कंजर्वेशन, तो ए पे जो टोटल एनर्जी होगी पी पे वही टोटल एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। 24 ये एग्जाम के लिए इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पूरी एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या क्वेश्चन है, क्या है, टू आइसोलेटेड मेटालिक सॉलिड स्फीयर्स ऑफ रेडियस आर एंड टू आर, जब दो बॉडीज आइडेंटिकल होती हैं, जब दो बॉडीज आइडेंटिकल होती हैं, आप उनको क्या करते हो, टच करते हो, तो दे शेयर देयर चार्जेस इन सच अ मैनर दैट आफ्टर शेयरिंग उनके चार्जेस क्या हो जाते हैं, इक्वल। अब ये नॉन आइडेंटिकल बॉडीज, एक बॉडी है उसका रेडियस है आर, ये दूसरी बॉडी है उसका रेडियस है टू आर, वो वे नॉन आइडेंटिकल, दो नॉन आइडेंटिकल बॉडीज है सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी में सिग्मा और सिग्मा, इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, तो ए का चार्ज कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, यही होता है सिग्मा चार्ज अपॉन एरिया, तो पहले वाले का चार्ज कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, क्यू वन बोल देता हूँ, दूसरे वाले का चार्ज कितना हो गया 4 पाई टू आर द स्क्वायर सिग्मा, मतलब 16 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। जब भी नॉन आइडेंटिकल बॉडीज वाले क्वेश्चन आएंगे इसमें दो कॉन्सेप्ट करते हैं, पहला चार्ज कंजर्वेशन, दूसरा कॉमन पोटेंशियल। जब भी नॉन आइडेंटिकल बॉडीज आए या जनरल भी,
दो लॉजिक लगते हैं, एक लगता है कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल का मतलब व्हेनेवर टू बॉडीज हैविंग, सबसे पहली क्लास याद करो, व्हेनेवर टू बॉडीज हैविंग डिफरेंट वोल्टेजेस आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, दे शेयर देयर चार्जेस इन सच अ मैनर दैट आफ्टर शेयरिंग देयर वोल्टेजेस यानी पोटेंशियल्स बिकम इक्वल। इफ द बॉडीज आर आइडेंटिकल देन देयर चार्जेस विल बी इक्वल। याद है नहीं बात? सो यहाँ पे हम क्या पहला कॉन्सेप्ट बताएंगे, कॉमन पोटेंशियल। सो कॉमन पोटेंशियल का मतलब जब इनमें शेयरिंग हो गई देन दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, वेन दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, दोनों को कॉन्टैक्ट में लाओगे देन लेट चार्ज ऑन फर्स्ट इज क्यू वन डैश एंड दैट ऑन सेकेंड इस क्यू टू डैश। पहले वाले पे चार्ज मान लिया क्यू वन डैश, दूसरे वाले पे चार्ज मान लिया क्यू टू डैश, तो क्या बोलोगे? सिंस पोटेंशियल, सिंस दे अटेन कॉमन वोल्टेज यानी कॉमन पोटेंशियल के क्यू वन डैश बाय आर मस्ट बी इक्वल टू के क्यू टू डैश बाय टू आर। पोटेंशियल के क्यू आया होता ना, के आर कट गया, आपके पास पहला रिलेशन आया क्यू वन डैश क्यू टू डैश डिवाइडेड बाई टू रख लो। तो पहला लॉजिक मैंने क्या बोला कौन सा लगता है, कॉमन पोटेंशियल। दूसरा लॉजिक क्या लगता है, चार्ज कंजर्वेशन। सिंस चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज कंजर्व, दूसरा था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कंजर्व रहता है तो क्यू वन डैश प्लस क्यू टू डैश फाइनल चार्ज इज इक्वल टू इनिशियल चार्ज। फाइनली चार्ज कितना है क्यू वन डैश और क्यू टू डैश, इनिशियल कितना था क्यू वन और क्यू टू, सो क्यू वन डैश प्लस क्यू टू डैश ये आ गया 20 pi r² sigma। नंबर टू, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व हो सकते हैं, सॉल्विंग करो सब्स्टिट्यूट फ्रॉम वन क्यू वन डैश की वैल्यू पुट करो ये आ गया 3 q² / 2 इज 20 pi r² sigma। सो क्यू टू डैश कितना आ गया 40 by 3 pi r² sigma। क्यू वन डैश कितना आ गया, क्यू टू डैश का आधा था वो आ गया 20 by 3 pi r² sigma। दोनों बॉडीज पे फाइनल चार्ज आ गया, आपको वो नहीं निकालना, आपको निकालना है न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी, न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटीज फर्स्ट वाले पे कितनी होगी, सिग्मा वन बोल देता हूं, वो जाएगा चार्ज अपॉन एरिया 4 pi r² चार्ज कितना है क्यू वन डैश शेरा डिवाइडेड बाई 4 pi r² करूंगा तो 4 pi r² से पायर कट गया 5 by 3 sigma। इसी तरह से सिग्मा टू फिफ्थ हो जाएगा क्यू टू डैश बाय 4 pi 2 r² मतलब क्यू टू डैश बाय 16 pi r² वैल्यू डालो क्यू टू डैश बाय 16 pi r² पायर स्क्वायर कट गया 8 से कटा 8 5 से नीचे 2 5 by 6 sigma। सो ये आ गया आंसर। सेकेंड वाले की सरफेस चार्ज डेंसिटी 5 by 6 sigma, फर्स्ट वाले की सरफेस चार्ज डेंसिटी 5 by 3 sigma। समझ में आया, लॉजिकली क्लियर? ये है इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, इसको लिख लो प्लीज, कोई दिक्कत आती है तो सॉल्व, ठीक है, प्लीज इसको लिख लो। आगे ध्यान दीजिए, लिखने का काम बाद में कर लेना, ये दोनों कर लो फिर उसके बाद लिख लेना जिस इसका बचा। 25, ये दोनों क्वेश्चन जो है 25 और 26
ये दोनों आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत जरूरी है. कह रहा है चार्ज कैपिटल क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर टू कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फीयर्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी. सो दो कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फीयर्स है, एक का रेडियस है ए, एक का रेडियस है बी. टोटल चार्ज कैपिटल क्यू आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, टोटल चार्ज कैपिटल क्यू डिस्ट्रीब्यूट किया मतलब इसका चार्ज अगर स्मॉल क्यू है तो बाहर वाले का क्यू माइनस क्यू होगा. पहली लाइन से ये समझ में आता है. आपको बोला चार्ज कैपिटल टू कैपिटल क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर टू कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फीयर्स ऑफ रेडियाई ए और बी. ए और बी टोटल चार्ज कैपिटल क्यू आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो छोटे वाले पे अगर स्मॉल क्यू है तो बड़े वाले पे कितना होगा क्यू माइनस क्यू. आगे क्या बोला, सरफेस डेंसिटीज आर सेम. ओके, तो दोनों का सिग्मा बराबर है. सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया. दूसरे वाले का चार्ज अपॉन एरिया, मानते हो 4 पाई 4 पाई कट गया, आपके पास आया क्यू बी स्क्वायर इज क्यू ए स्क्वायर माइनस क्यू ए स्क्वायर. सो क्यू टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज क्यू टाइम्स ए स्क्वायर. मैं स्मॉल क्यू निकाला हूं क्योंकि स्मॉल क्यू अननोन वेरिएबल है, वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मुझे पहले उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, वो अननोन है. और क्यू माइनस क्यू सॉल्व करके कितना आएगा, क्यू माइनस क्यू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. एलसीएम लो भी कितना बचेगा, क्यू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यहां तक समझ में आते हैं, दोनों के चार्ज निकल गए, दोनों के चार्ज निकल गए. आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर. पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाय रेडियस. सो अंदर वाले की वजह से के क्यू बाय ए, बाहर वाले की वजह से के क्यू माइनस क्यू बाय बी. वैल्यू डाल दो, के कॉमन, क्यू बाय ए, स्मॉल क्यू बाय ए करूंगा तो ये आ गया क्यू ए बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्यू माइनस क्यू की वैल्यू डाल दूंगा बी भी भाग जाएगी, आ गया क्यू बी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. कॉमन लो, के क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी. बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन. समझ में आया, मेरे को टोटल चार्ज दिया था, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया, अंदर मान लिया स्मॉल क्यू, आउटर में कितना हो गया कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू. पहले तो सरफेस डेंसिटी इक्वल थी, अननोन जो मैंने इंट्रोड्यूस किया उसको हटा दिया, उसके बाद पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा के वैल्यू डाल दी. ठीक, लास्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका फाइनल रिजल्ट कॉन्सेप्चुअल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका फाइनल रिजल्ट कॉन्सेप्चुअल्स के लिए इंपॉर्टेंट है. कंसिडर टू कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियाई आर वन एंड आर टू विद आर वन ग्रेटर देन आर टू. ये आर वन है, ये छोटा सा आर टू है. इफ द टू आर एट सेम पोटेंशियल, इसमें क्यू वन मान लो, इसमें क्यू टू मान लो, क्वेश्चन में गिवन है वी वन वी टू के बराबर है. सो के क्यू वन बाय आर वन इज इक्वल टू के क्यू टू बाय आर टू. मतलब Q1 वन बाई क्यू टू कितना हो जाएगा, R1 वन बाई आर टू. आगे ना, पहली लाइन से ये समझ में आता है, यहाँ तक पढ़ के इतना समझ में आता है. आपको बोल रहा है दोनों सेम पोटेंशियल पे, द लार्जर स्फीयर हैज मोर चार्ज देन द स्मॉलर स्फीयर. ओके, स्टेट वेदर द चार्ज डेंसिटी को तो हमने प्रूव कर दिया, यहाँ पे चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस हो गया ना, तो जो बड़ा स्फीयर है उसमें चार्ज ज्यादा होगा, जो छोटा स्फीयर है उसमें चार्ज कम होगा. स्टेट वेदर द चार्ज डेंसिटी छोटे की बड़ी होगी या बड़े की बड़ी होगी वो देखते हैं. सिग्मा वन अपॉन सिग्मा टू, सिग्मा क्या होगा, क्यू वन बाय फोर पाई आर वन स्क्वायर. सिग्मा टू क्या होगा, क्यू टू बाय फोर पाई आर टू. फोर पाई कट गया, क्यू वन बाय क्यू टू की वैल्यू है आर वन बाय आर टू इंटू आर टू स्क्वायर बाय आर वन स्क्वायर. सॉल्व करके बना आर टू बाय आर वन. अब सिग्मा वन बाय सिग्मा टू जो है वो आर टू बाय आर वन के बराबर आ गया, और आर टू बाय आर वन क्या है, वन से छोटा, तो सिग्मा वन जो होगा
वो छोटा होगा सिग्मा टू के। तो जो छोटा स्फीयर होता है उसमें सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज ज्यादा होती है, चार्ज भले ही कम होता है बट सरफेस डेंसिटी ज्यादा होती है। इस लॉजिक पे बेस्ड है अगली क्लास में हम करेंगे, उस टॉपिक का नाम है कोरोना डिस्चार्ज, कोविड वाला कोरोना, कोरोना डिस्चार्ज या फिर एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स, ये अगली क्लास में करेंगे। तो इस रिजल्ट पे बेस्ड है, तो ये एज अ कॉन्सेप्चुअल भी बनता है, ये एज अ न्यूमेरिकली भी आ सकता है नंबर्स में, थियोरेटिकली एक्सप्लेनेशन के लिए भी आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जिसमें न्यूमेरिकल ज्यादा बन सकते हैं वो क्वेश्चन नंबर 24 है। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए बहुत आते हैं स्कूल एग्जाम्स में। तो आप करेंगे क्या, घर पे जो जो आपके डाउट्स थे उनको रिपीट करेंगे अपने हाथ से लिख के, ओरली कोई नहीं करेगा, अपने हाथ से लिख के करें। अगर कोई फिर भी दिक्कत आती है तो नेक्स्ट क्लास पूछें। थैंक यू वेरी मच।